हेलो व्यूअर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग केजी कुछ ज्ञान। तो फ्रेंड्स, यामा ने अपनी एक और स्कूटी रेजर डॉट BS6 में लॉन्च कर दिया है। तो क्या है कुछ खास, देखते हैं आज। तो गाइज, अगर सबसे पहले बात करें हम इसमें चेंजेस की, तो यह स्कूटी अब पूरी तरह से चेंज दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे हम इसकी बात करें लुक्स की, चाहे इसके इंजन की, अब यह पूरी तरह से चेंज हो गई है, जो कि पहले से काफ़ी स्टाइलिश और यूनिक हो गई है। साथ ही इसके फ्रंट में आप सबको एक वाई शेप्ड DRL देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके जो इंडिकेटर्स है, अब वह बाइक की तरह इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बल्ब के साथ आती हैं। वही बात करें इसके हेडलैम्प की, तो आपको इसमें फ्रंट में हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। इसकी जो बॉडी ग्राफिक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह से चेंज दिख रही है और साइड पैनल से भी काफ़ी यह चेंज हो गई है। साथ ही इसकी जो बैजिंग है यामाहा की, अब वह आप सबको 3D में देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही इसकी जो एग्जॉस्ट है, आप सबको कॉनिकल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है, जो कि एक न्यू बदलाव इसमें किया गया है। इसका टेल सेक्शन में भी थोड़ी सी चेंज देखने को मिल जाएगी, जो कि एक न्यू टेल लाइट देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको एक नंबर प्लेट के लिए भी लाइट दी गई है। मीटर कंसोल की बात करें, तो आप सबको डिस्क वेरिएंट में डिजिटल मीटर और ड्रम वेरिएंट में आप सबको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। आपको इसमें एक इंजन माल फंक्शन का लाइट भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही यह ड्रम वेरिएंट है, इसलिए आप सबको इसमें एनालॉग मीटर देखने को मिल रहा है। इसमें अब आप सबको मल्टी की फंक्शन स्विच देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें इसके लेग स्पेस की, तो आपको अच्छी खासी इसमें लेग स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें आप सबको सिंगल सीट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंडर सीट स्टोरेज की, तो आपको इसमें पहले की तरह ही 21 लीटर का स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर है। साथ ही आप इसमें ऑप्शनल में मोबाइल चार्जिंग सॉकेट को लगवा सकते हैं। अब बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो आपको इसके सीट के नीचे ही फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है। वही बात करें इसके एवरेज की, तो अब यह स्कूटी आप सबको इजिली 55 प्लस की माइलेज दे देगी। साथ ही आपको इसमें टूल्स के लिए सीट के नीचे आपको स्पेस मिल जाता है। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो आपको पहले से इसमें बड़ी इंजन देखने को मिल जाती है, जो कि 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व FI BS6 इंजन देखने को मिल जाती है, जो कि पहले से काफ़ी बेहतर और अच्छी हो गई है। वही बात करें इसके मैक्सिमम पावर की, तो आपको इसमें 8.2 PS की पावर मिल जाती है एट 6500 RPM। वहीं आपको इसमें मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाता है 9.7 Nm एट 5000 RPM, जो कि पहले से काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी हो गई है। इसकी जो हैंडल बार है, उसमें आप सबको लेफ्ट साइड हॉर्न, साइड टर्न इंडिकेटर और एक हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है। वहीं राइट साइड आप सबको एक ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही आपको एक सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आप सबको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वहीं आप सबको रियर में यूनिट स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में आप सबको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। यह बाइक डिस्क वेरिएंट में भी आती है। साथ ही आपको रियर में भी ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि UBS टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। अब अगर बात करें इसके टायर की, तो फ्रंट में आप सबको 90x1912 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि इसकी 11 इंच पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है फ्रंट में। वहीं रियर में आप सबको 110x9010 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि रियर टायर थोड़ी सी वाइडर हो गई है। इसमें आप सबको साइड स्टैंड कटअप स्विच भी देखने को मिल जाता है, जो कि बाकी यामाहा के बाइकों में देखने को मिल जाती है। साथ ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm है। वही बात करें इसके कर्व वेट की, तो अब यह थोड़ी सी हल्की हो गई है पहले से। इसकी कर्व वेट 99 kg अब हो गई है। अब सुनते हैं इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट कैसी है।
तो गाइज अब अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका पटना एक्सोरूम प्राइस 69,900 है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी पटना बिहार से हैं और इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप लीला मोटर्स विजिट कर सकते हैं। लीला मोटर्स का फुल एड्रेस और फोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज ये थे कुछ चेंजेस इन रे ZR BS6 में। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।